टेक ड्राइव इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख पाए हमारे वीडियोस सबसे पहले। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कार्बन मिनी का एक छोटा सा रिव्यू। तो अगर आप इसे लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, टेक ड्राइव इंडिया में आपका स्वागत है, मेरा नाम है शिवम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सामने का जो ग्रिल है ये है मेटल का और इसका बॉडी जो है वो एक रबराइज्ड फील आपको देता है, तो आपको अच्छा ग्रिप मिल जाएगा। इसके ऊपर के साइड आपको कुछ बटन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि पावर बटन, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, प्ले, पॉज, फॉरवर्ड या बैक। और सामने की तरफ आपको एक LED भी देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ इसके साइड में आपको कुछ बटन्स दिखेंगे जैसे कि ब्लूटूथ, FM, SaReGaMa। तो यहाँ से आप इसके मोड्स को चेंज कर सकते हो। और साथ ही साथ इसके पीछे के साइड आपको एक चार्जिंग पोर्ट, एक ऑक्स का पोर्ट और एक USB पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर रीसेट का स्विच और LED भी देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको एक एंटेना भी देखने को मिल जाएगा। और दूसरे साइड में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिलेगा, तो आप वहां से अपना ईयरफोन्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको इसके नीचे दो रबर पैडिंग देखने को मिलेगा जिसके मदद से ये काफ़ी अच्छा ग्रिप मेंटेन करता है। तो अगर आप इसे कहीं भी रखते हो तो ये अपना पोजीशन जो है वो चेंज बिल्कुल नहीं करेगा, जब भी आप गाना सुने को ये बिल्कुल नहीं हिलने वाला है। और इसके डिज़ाइन में मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है इसके एंटेना को निकालने में। तो अगर आपके पास बड़े नेल्स है तो आप इसे काफ़ी आराम से निकाल दे सकते हो, मगर आपके पास अगर नेल्स नहीं है तो आपको किसी एक टूल का यूज़ करना होगा इसके एंटेना को निकालने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो इसका जो लुक है ये आपको पसंद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि एक रेट्रो सा लुक आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके बॉक्स में लिखा हुआ है नॉट जस्ट अ ब्लूटूथ स्पीकर, तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें ब्लूटूथ से तो गाना बजा ही सकते हो, साथ ही साथ आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि आप अपना पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो ऑक्स से गाना बजा सकते हो, और आप चाहो तो FM भी बजा सकते हो, और अगर आप फाइनली चाहो तो आप इन लेजेंड्स के गाने को सुन सकते हो क्योंकि आपको इसमें प्रीलोडेड गाने देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसे अगर आप एक घंटा चार्ज करोगे तो आपको अराउंड 4 hours का बैटरी बैकअप ये आपको दे देता है। और बात करते हैं इसका साउंड क्वालिटी के बारे में, तो मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके साउंड क्वालिटी के बारे में, तो इसका साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि इतना छोटा सा स्पीकर है और जो साउंड निकालता है, जो बेस आपको मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। साथ ही साथ जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा फैलता भी है, और साथ ही साथ साउंड अगर आप तेज़ करोगे तो इसका जो साउंड है वो फटता भी नहीं है, तो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर आपको ऑडियो मिलने वाला है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आप इसे डेफिनेटली बाई कर सकते हो। दोस्तों वैसे इसका प्राइस है 2490, मगर मैं आपको बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इसे खरीद सकते हो, आपको 2000 के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।